आपने फिल्मों में मानव बम खूब देखे होंगे, सुने होंगे। मैंने मानव बम की बात की तो जाहिर तौर पर आपके दिमाग में छवि भी बनी होगी जो फिल्मों में दिखाया जाता है, फिल्माया गया होता है। लेकिन मैं आपको बिहार के अपराध की एक दास्तान सुनाने जा रहा हूं जिसे सुनकर आप सन रह जाएंगे। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं महाखबर। मैं महाखबर की बाहुबली सीरीज में आपका स्वागत करता हूं। आपको बाहुबली की कहानी बताएंगे जो आपके रोंगटे खड़े कर देगा। आइए जानते हैं पूरी दास्तान। बात ठंड की थी, ठंड का मौसम था, हाड़ कपा देने वाली ठंड में धूप सेकने के लिए लोग घरों से बाहर बैठे थे। बिहार का आरा शहर हमेशा की तरह चहल पहल से भरा था। इन सबसे अलग शहर के अंदर ही बने दीवानी न्यायालय में रोज की तरह काम जारी था। आम लोगों से ज्यादा काले कोट में वकील नजर आ रहे थे और अचानक सुबह 11:35 पर होता है एक जोरदार ब्लास्ट। तारीख थी 23 जनवरी 2015। बिहार के आरा शहर के कोट में जो ब्लास्ट हुआ था वो मामूली ब्लास्ट नहीं था। पहली बार बिहार में मानव बम का इस्तेमाल हुआ था। एक महिला ने खुद को उड़ा लिया था और 2 लोग मारे गए थे। इस धमाके को प्रायोजित करने का आरोप जिस पर लगा वह बाहुबली था सुनील पांडे। कोर्ट में मानव बम से हमले की वजह क्या थी? सूत्र बताते हैं कि यह हमला सुनील पांडे के कहने पर कराया गया था और इस हमले की वजह यह थी कि 2 मुजरिमों को भगाया जा सके। वो 2 मुजरिम थे अखिलेश उपाध्याय और लंबू शर्मा। 11 जुलाई 2015 को एसपी आरा ने सुनील पांडे को अपने ऑफिस में मिलने बुलाया और वहीं से पकड़े गए लंबू शर्मा के इकबालिये बयान के आधार पर सुनील पांडे और उनको वहीं एसपी आवास से गिरफ्तार कर लिया गया। दरअसल लंबू शर्मा ने न सिर्फ आरा ब्लास्ट मामले में सुनील पांडे को दोषी बताया बल्कि यहां तक कहा कि सुनील पांडे ने उसे 50 लाख रुपये यूपी के बाहुबली नेता गैंगस्टर मुख्तार अंसारी को मारने के लिए सुपारी दी थी। लंबू ने बाद में बताया कि कैसे उसने अपनी गर्लफ्रेंड को मानव बम के तौर पर इस्तेमाल किया था। नरेंद्र से सुनील पांडे का सफर आपको बताते हैं। 1966 में सुनील पांडे का जन्म एक आर्मी ऑफिसर के घर हुआ था, लेकिन समय के साथ उनके पिता कामेश्वर पांडे आर्मी छोड़कर बिहार में सोन नदी के किनारे बालू खनन का काम करने लगे। कामेश्वर पांडे ने ठेकेदारी में दबदबा कायम करने के लिए अपनी गैंग बनाई। बेटे नरेंद्र को बेंगलुरु पढ़ने के लिए भेजा। वो अपनी तरह बेटे को इंजीनियर बनाना चाहते थे, लेकिन खून ने रंग दिखाया और उसने गुनाह करना शुरू किया और गुनाह के पहले पायदान पर अपना कदम रखा। बेंगलुरु में पढ़ने गए नरेंद्र पांडे ने एक झगड़े में अपना तेवर दिखाया और चाकू से दूसरे छात्र को जख्मी कर दिया। इसी घटना के बाद नरेंद्र पांडे अपने गांव वापस आ गया और बाप के ठेकेदारी को संभालने की कोशिश करने लगा। हाथ जुर्म के रंग से लाल हो चुका था और नरेंद्र पांडे को नया नाम यही मिला। नया नाम था सुनील पांडे। जुर्म की दुनिया में कैसे बड़ी दहशत। सुनील ने जुर्म की सीढ़ियां लांघने के लिए अपने ही उस्ताद सिल्लू मियां को रास्ते से हटा दिया। सिल्लू मियां सिवान के डॉन शहाबुद्दीन का गुर्गा बताया जाता था। शहाबुद्दीन के सह पर सिल्लू मियां रोहतास से लेकर आरा तक अपनी गुंडई चलाता था। उसने सुनील पांडे को अपना शागिर्द बनाया था और हथियारों की कोई कमी नहीं थी। सिल्लू मियां और सुनील पांडे बिहार से लेकर यूपी तक क्राइम को अंजाम देने लगे। हत्या लूट इनके लिए कोई बड़ी बात नहीं थी, लेकिन बाहु बनने की महत्वाकांक्षा इतनी बढ़ गई कि सुनील पांडे ने सिल्लू मियां को ही निपटा दिया और रोहतास में नदी का शहंशाह बन गया जो नदी सोन नदी के नाम से जानी जाती है। उसके एक साथी नंद गोपाल फौजिया ने कभी पुलिस की गिरफ्त में आने पर जो इकबालिया बयान दिया था उसी को पढ़कर अंदाजा हो जाएगा कि सुनील पांडे किस कदर खूंखार बन चुका था और कैसे रोहतास का अदना सा गुंडा बिहार का बाहुबली बन गया।
सुनील पांडे का भाई नंदगोपाल फौजी अपने इकबालिया बयान में कहता है कि उसके पिताजी और सुनील पांडे के पिता कामेश्वर पांडे ममेरा फुफेरा भाई थे। साल 1987 में सुनील पांडे ने बनारस में एक बड़े अपराध को अंजाम दिया और फौजी के घर छिपने चला गया। तब से दोनों भाई में घनिष्ठता हो गई और फौजी ने साल 1988 में सुनील पांडे, शेखर और सिल्लुमिया और चुनमुन सिंह के साथ कई बैंक लूटे और कई नेता, व्यापारियों और ठेकेदारों की हत्याएं की। कई वर्षों बाद हथियारों को लेकर झगड़ा हुआ और फौजी और सिल्लुमिया सुनील पांडे से अलग हो गए। इन लोगों ने बनारस को अपना ठिकाना बना लिया। कुछ समय बाद दोनों भाइयों की सुलह हो गई और दोनों ने मिलकर सिल्लुमिया और जुनैद अंसारी की हत्या कर लाश को नहर में फेंक दिया, जिसका आज तक कोई सुराग नहीं मिला। इसके अलावा सुनील पांडे ने कई लूट, हत्या और अपहरण को अंजाम दिया। अपराधी से विधानसभा तक का सफर। 90 के दशक में जातियों में बटे बिहार में जाति के हिसाब से सेनाएं भी बनी थीं और उनके पास हथियारों का जखीरा भी पहुंच रहा था। इन्हीं में शामिल होती थी कभी रणवीर सेना, जो भूमिहारों के हक में जंग के लिए निकले थे। नरेंद्र कुमार पांडे उर्फ सुनील पांडे इस सेना का कमांडर बना। जाति के हक के लिए बनी सेना समय के साथ हथियार का दम दिखाने लगी और फिर बिहार ने वो दौर देखा जब बिहार के लोग की किस्मत बैलेट से नहीं, बंदूक से लिखी जाने लगी। सिर्फ सियासी पार्टियों के लिए नहीं बल्कि रसूख रखने वालों के लिए भी ये सेना प्रोटेक्शन चार्ज वसूला करती थी। कुल मिलाकर गैंग वालों ने जाति सेना के नाम का सहारा लेकर बाहुबली बने रहने का तमाम जुगाड़ लगा लिया। चुनाव में मिलने वाले मदद के एवज में नेता लोग इन्हें हथियार और गोलियां उपलब्ध कराते थे। इधर पुलिस लगातार सुनील पांडे की तलाश में थी, लेकिन वो फरार चल रहा था और अचानक साल 2000 के चुनाव में ताश के पीरो विधानसभा सीट पर उसने आरजेडी के कैंडिडेट काशीनाथ को मात दी और विधानसभा पहुंच गया। जेल में भी जलवा कायम रहा। बताते हैं कि खाना खाने के लिए वह घर जाया करता था। विधानसभा के भीतर शपथ ग्रहण का कार्यक्रम चल रहा था और बाहर बिहार पुलिस सुनील पांडे का इंतजार कर रही थी। सालों से फरार चल रहा सुनील पांडे विधायक की शपथ लेकर जैसे ही बाहर निकला, पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। उस पर मध्य बिहार में दलितों के नरसंहार करने का आरोप था और सुनील पांडे को गिरफ्तार कर आरा जेल भेज दिया गया। सुनील पांडे जेल पहुंच चुका था। करीब 50 से ज्यादा मामले और इल्जाम उस पर था, लेकिन तकनीकी तौर पर जेल में कैद सुनील पांडे पटना मेडिकल कॉलेज के कैदी वार्ड में ही रहा करता और वहीं अय्याशियां करता। इसकी दबंगई में कोई कमी नहीं आई। वो जेल में ही अपने सारे काम अनवरत करता रहा। इतना ही नहीं, कैदी वार्ड में रहते हुए और पुलिस वालों की मौजूदगी में सुनील पांडे के साथ ही उसके साथ हथियार लेकर मौजूद रहा करते। स्थानीय पत्रकार बताते हैं कि लोगों ने देखा है कि जब इच्छा होती थी सुनील पांडे जेल से निकलकर घर तक चला जाता था ताकि घर का खाना खा सके। अपहरण से लेकर तमाम अपराध जेल से करता और जेल से बाहर से भी उसे अंजाम देता। 17 मई 2003 को बिहार के पहले न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर रमेश चंद्रा अपनी गाड़ी से निकले थे, लेकिन घर वापस नहीं आए। 18 मई 2003 को इसकी रिपोर्ट लिखवाई गई और बताया गया कि किसी अज्ञात फोन से फिरौती की डिमांड की गई है। डॉक्टर रमेश चंद्रा को छोड़ने के एवज में 50 लाख रुपए की फिरौती मांगी गई थी। इस किडनैपिंग में मुख्य रूप से जिसका नाम था वो था नरेंद्र कुमार पांडे उर्फ सुनील पांडे। हालांकि 20 मई 2003 को ही, यानी घटना के 3 दिन बाद ही, पटना पुलिस ने बिना फिरौती दिए डॉक्टर रमेश चंद्रा को ढूंढ निकाला। 17 सितंबर 2008 को पटना के एडिशनल सेशन जज की अदालत ने इस मामले में फैसला सुनाया और सुनील पांडे के साथ 5 अपराधियों को दोषी करार देते हुए उम्र कैद की सजा सुनाई। एक भोजपुरी गाने का बोल है कि आज जेल हुई, काल बेल हुई, परसों फिर वही खेल हुई। ठीक इसी तर्ज पर सुनील पांडे पहले से ही रोहतास के जेल में बंद था। सबूतों के अभाव में 13 जुलाई 2010 को
हाई कोर्ट ने सुनील पांडे को बरी कर दिया और बाहुबली का खेल जारी रहा। रसूख ऐसा कि सरकार गिराने की बात करता। साल 2005 में बिहार में दो बार चुनाव हुए और फरवरी और नवंबर दोनों बार जेडीयू के टिकट पर सुनील पांडे ने जीत दर्ज की। मध्यावधि चुनावों के बाद अपनी ताकत दिखाते हुए उसने बिहार के बाहुबलियों को साथ लेकर नीतीश कुमार के सामने अपनी पावर का एक बार फिर से मुजाहरा किया। बिहार में सुनील पांडे की अपनी सरकार थी, रुआब यह था कि सरकार गिराने और बनाने की बातें करता। यही वजह थी कि हर जगह अपनी हनक दिखाता रहता। 28 जून 2006 को पटना के मौर्य होटल में सुनील पांडे ने खूब हंगामा काटा और एक पत्रकार को जान से मारने की धमकी दे डाली। उसने एक पत्रकार को कहा कि ए सुना ठोक देब मार देब। ये बात कैमरे में रिकॉर्ड हो गई और नशे में धुत सुनील पांडे को पूरे देश ने टीवी चैनल के माध्यम से देखा। आनंद मोहन का न्यायिक हिरासत में रहते प्रेस कॉन्फ्रेंस करने पर एसएसपी द्वारा आनंद मोहन को धक्का मारते हुए जेल ले जाने की घटना को लेकर विधायक सुनील पांडे ने एक सनसनीखेज बयान दे दिया। सुनील पांडे ने कहा कि नीतीश कुमार सही से काम नहीं कर रहे हैं और नीतीश राज में अफसरशाही बढ़ने लगी है। अगर जिस तरह से आनंद मोहन के साथ हुआ है, एसएसपी ने दुर्व्यवहार किया है, अगर मेरे साथ हुआ होता तो मैं गोली मार देता। इस वाक्य के बाद नीतीश कुमार ने सुनील पांडे को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया। लेकिन राजनीतिक मजबूरी कहें या फिर कुछ और, नीतीश कुमार को साल 2010 के चुनाव में सुनील पांडे को फिर से टिकट देना पड़ा और बाहुबली सुनील पांडे ने तरारी विधानसभा सीट से करीब 1,40,000 वोटों से जीत दर्ज की। सुनील पांडे ने जेल से ली डॉक्टर की उपाधि। जेल में रहकर ही सुनील पांडे ने डॉक्टर सुनील पांडे बनने की प्रक्रिया पूरी की। लेकिन ऐसा कभी नहीं हुआ कि सुनील पांडे का वर्चस्व कभी कम हुआ हो। उसकी ही जुबान से कहें तो पहले भी बाहुबली था और आज भी है, जिसका मुजाहरा अक्टूबर 2018 में हुआ, जब बिहार में जहां तहां कुआं, तालाब, घर, दीवार, बोरा, बोरी सब में AK-47 राइफलें मिलने लगी। इतनी बड़ी संख्या में प्रतिबंधित AK-47 मिलने पर मामला गर्मा गया। 20 जून 2019 को नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने यूपी में, वाराणसी में, बिहार में 7 जगहों पर छापेमारी की और उसमें कई लोग गिरफ्तार हुए। कुछ AK-47 MLC खुलास पांडे के घर से भी मिली, जो सुनील पांडे का भाई भी है। सुनील पांडे को लोजपा से भी टिकट की उम्मीद थी। साल 2015 के नवंबर महीने में विधानसभा के चुनाव होने थे। LJP में जा चुके सुनील पांडे को टिकट की उम्मीद थी, लेकिन सुनील को टिकट नहीं मिला। इस बार सुनील की पत्नी को LJP ने तरारी सीट से उतारा, लेकिन महज 272 वोट से सुनील की पत्नी हार गई। सुनील पांडे ने साल 2020 के चुनाव में भी LJP से काफी उम्मीदें रखी थी, लेकिन इस बार लोक जनशक्ति पार्टी ने न तो सुनील को टिकट दिया और न ही उसकी पत्नी को। हालांकि सुनील LJP का तमगा लिए प्रचार लगातार कर रहा था, लेकिन जब टिकट नहीं मिला तो तरारी सीट से निर्दलीय मैदान में कूद पड़ा। लेकिन जनता ने इस बाहुबली को बुरी तरह से नकार दिया। अहिंसा के रूप में भगवान महावीर पर PhD करने वाले हिंसा के इस कारोबारी के दिन यहीं लद गए थे।